बोलती। अच्छा, ये जो काम आया है डोनेशन का, ये पूरा यू टर्न का काम है। इसमें जो रिसीवर होगा वो पूरा प्राइवेट लिमिटेड, वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, कोई और कंपनी नहीं होना चाहिए। मतलब प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड पब्लिक, ये तीनों कंपनी होना चाहिए, कोई प्रॉपर्टीशिप फर्म, कोई एनजीओ ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, जो रिसीवर कंपनी होगा उसका दो अलग अलग अकाउंट होना चाहिए, प्राइवेट बैंक में एक्सेप्ट बंधन बैंक, ठीक है। ये जो दो प्राइवेट बैंक होगा, इसमें एक बैंक में, एक बैंक के अकाउंट में 5 CR मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए, जिसमें 9 CR RTGS होगा देखने के बाद। मतलब जब डोनर का ऑथोराइज पर्सन RTGS करने के लिए रिसीवर के बैंक ब्रांच में आएंगे, तो उसको पहले वो खुल के दिखाना पड़ेगा रिसीवर को कि देखिए मेरे अकाउंट में 5 CR है, और देखने के बाद ही उसमें वो RTGS करेगा 9 CR। 9 CR RTGS कर देने के बाद रिसीवर पहले उसको चेक करेगा कि हाँ उसमें आया है कि नहीं आया है, सही गलत पूरा हो गया, सेटिस्फाई हो गया, फिर ये जो बैलेंस है 5 CR ये उसको रिटर्न करना पड़ेगा। वो जो रिटर्न करेगा वो दूसरे अकाउंट से रिटर्न करना, मतलब दूसरे का अकाउंट देगा कंपनी, उसमें अकाउंट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे और एक बात है, 9 CR जहाँ पे देगा वो, जहाँ पे आपका 5 CR बैलेंस होगा उसमें अगर 9 CR दे देगा तो वो तो 24 आवर्स के लिए लॉक हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, दो अकाउंट इसलिए बोल रहे हैं कि एक अकाउंट में 5 CR रहेगा जो रिटर्न करने के लिए है, और एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें वो रिसीव करेगा। तो जहाँ पे रिसीव करेगा और लगेगा, तो ये जहाँ जहाँ पे आपका बैलेंस है 5 CR का बैलेंस है, दोनों का ही BRL लगेगा, मतलब बैंक रिसीविंग लेटर। इसका मतलब क्या है कि बैंक का जो मैनेजर है वो, तो मैनेजर अपने पैड में लिख देगा कि ये जो दो अकाउंट है इसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक धोक नहीं है, जितना खुशी आप कैसे उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बड़ा अमाउंट आ भी जाए तो कोई अटक नहीं जाएगा, स्मूथली ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो सकता है, ये लिखना पड़ेगा, ताकि वो देख के योको डोनर जो है भारी भारी भरकम रकम है वो उसको RTGS करेगा। और दूसरी बात है, इसको भी जब RTGS करना पड़ेगा, वो भी भारी भरकम 5 CR कम छोटा अमाउंट नहीं है, तो उसको भी अगर कैपेसिटी नहीं है तो एक साथ में 5 CR नहीं दे सकता। तो इसलिए BRL बहुत जरूरी है दो अकाउंट के लिए। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दो प्राइवेट बैंक में अकाउंट होना चाहिए, एक्सेप्ट बंधन बैंक। ये दो अकाउंट में से एक अकाउंट में 5 CR मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, जो देख के चाहे उस बैंक में हो या फिर दूसरा जो बैंक का अकाउंट है उसमें वो 9 CR RTGS करेगा। मुझे लगता है कि दूसरे अकाउंट में ही करेगा, क्योंकि जहाँ पे बैलेंस है उसमें का कर देगा तो वो अटक सकता है, ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के लिए लॉक होता है, फिर एक दिन के बाद वो खुलेगा। तो इसलिए वो 9 CR उसको मिल गया, वो देख लिया, चेक कर लिया, हाँ ठीक है मेरे पास आ गया है, देख के वो जो 5 CR का अकाउंट है उसमें से अच्छा वो जो कंपनी है, पहले खत्म कर दीजिए, जो डोनर का कंपनी है, डोनर कंपनी भी दो अकाउंट देगा, एक अकाउंट में से वो RTGS मारेगा, वो भी दिखाएगा कि देखो मेरे पास ये कैपेबिलिटी है, तो RTGS मार दिया। RTGS मारने के बाद जब रिसीवर कंपनी देख लिया हाँ ठीक ठाक मेरे पास आया है, इधर उधर करके काटा के वटा के जो जो भी है, वो तो मैनेजर का पावर होता है, मैनेजर कर सकते हैं, करके देख के और एश्योर कर देगा हाँ आपके अकाउंट में पैसा आया है, अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें प्रोसीड कर सकते हो। वो फिर तब उसका जो अकाउंट में 5 CR है उसको, ये जो आपका डोनर का जो कंपनी मतलब दूसरा अकाउंट है वहां पे वो उसको RTGS कर देगा, अच्छा फिर डोनर वो देख लेगा हाँ मेरे अकाउंट में आ गया है, तो डोनर डोनर नौ ऊपर चला गया हाँ डोनर के अकाउंट से, उसमें रिसीवर के अकाउंट में 9 CR गया, और रिसीवर अकाउंट से डोनर बदले में 5 CR उसको मिल गया। हाँ तब दोनों साइड में जब दोनों मिल गया तो दोनों ही जो डिस्क्लेमर है, जो आपका NOC है, दोनों दोनों को दे देगा, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी अभी ये हो गया डोनर और रिसीवर का खत्म। अच्छा डोनर 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 का मतलब क्या है, वो 5 CR का मतलब है, क्योंकि वो 5 CR बचाना चाहता है, क्योंकि 10 CR तो पूरा ही चला जाता है उसका, ठीक हाँ है, तो घुमा के लेगा। और रिसीवर इनका क्या फैसिलिटी है, इसे सुविधा क्या है, क्या लाभ हो रहा है, कि ये डोनर को हेल्प करने के चक्कर में उसको बैठे बैठे 4 CR एक्स्ट्रा। नहीं अच्छा, अभी अभी जो चीज जरूरी था है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स पहले रिसीवर से डोनर के पास जाना पड़ेगा। क्या क्या है, उसका जो पैन कार्ड, कैंसिल चेक और स्टेटमेंट बहुत ही वाइटल है, क्योंकि वो स्टेटमेंट में वो बैलेंस है कि नहीं शो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे RTGS देगा, ठीक है। ये है, और 3 साल का ITR देना पड़ेगा, और क्या बोला था, 3 साल का ITR है, और एक चीज क्या था,
एक बिजनेस के लिए क्या होता है, आई क्या होता है और क्या होता है? जीएसटी टैक्स ना ना ना, जीएसटी ना, ना ना टैक्स नहीं है, आईटीआर है पैन कार्ड। और ना पैन कार्ड। ओ, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ और एक चीज है, मैंने आपको जो सर्टिफिकेट का कॉपी, स्कैन कॉपी भेजा था, जिस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी ये सर्टिफिकेट बिलोंग करते हैं, जिस कंपनी के हाथ में है, उसी कंपनी को बोलिएगा, जिसके पास नहीं है अगर वो काम करने आएगा तो पूरा जेल जेल चला जाएगा। क्योंकि अच्छा, बस डीएल काम है क्योंकि तो। हाँ क्योंकि ये सर्टिफिकेट वो पावर है उनका, जो वो अच्छा, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई पकड़ने वाला है नहीं। लीगल काम है तो ये। ये लीगली काम है, केवाईसी इंटरचेंज होगा, अच्छा, लीगल काम है हाँ और काम में कोई दिक्कत ना है, इसीलिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है वो कंपनी के पास। इसी बार कंपनी के पास, डोनर के पास ऑलरेडी है, जो अच्छा, डोनर कंपनी ये कर रहा है, इसलिए उतना भारी वर्कम दे सकता है। बोले देखिए मेरे पास है, वही भेजा है उसको, ठीक है। बोले आपका रिसीवर कंपनी भी आप ऐसा ढूंढिएगा जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, तभी जाके ये काम आराम से निकल सकता है, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। और ये अगर आप मीटिंग करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दादा काम करने से पहले ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये देना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट देने के टाइम में बोलेगा नहीं देंगे नहीं देंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि बिना चेक किए इतना बड़ा रकम, देखिए जो 9th या 10th या दे रहा है, ठीक है, वो तो पहले देख के ही आएगा ना, वो तो उतना बड़ा आदमी ऐसे ही क्यों 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 आएगा? क्योंकि देखिए मिल रहा है, आप किसी को, किसको मिल रहा है? रिसीवर को। पहले कौन दे रहा है? डोनर। पहले तो डोनर ही देगा ना, बिना रिसीवर देगा, तो इसलिए डोनर को पहले हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्यों आएगा फिर? और डोनर, और वो भी देखिए, डोनर कहाँ पे आ रहा है? रिसीवर एंड एंड पे आ रहा है। रिसीवर को तो अपने जगह बैठे बैठे 4 CR का लाभ हो रहा है, कुछ कुछ खर्च करने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो उसके अगेंस्ट में ये दो कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स तो उसको अगर देना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, है ना। तो और ये डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि इसको लेके कोई कुछ काटाछारा कर सकता है, क्योंकि ये तो लीगल डॉक्यूमेंट है भाई। मार्च मार्च महीना जब आएगा तो तुमको ये डॉक्यूमेंट्स तो तुमको सरकार के अखबार में जमा भी करना पड़ेगा, वही चीज तुम दे रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और ये लीगल ही होगा, तुम तो इलीगल नहीं दे रहे हो। तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे अकाउंट में 550 CR 100 CR का इलीगल कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, मत दिखाओ। 5 CR का तो लीगल ट्रांजेक्शन जो है वो दिखाओ, वो वाला अकाउंट दिखाओ, खत्म खत्म। कौन तुम्हारा, तुमसे कौन 100 CR का ट्रांजेक्शन मांग तो रहा है? जो रिसीवर रहेगा उसको जीएसटी देना पड़ेगा ना। जीएसटी तो दोनों को ही देना पड़ेगा, लीगल काम है तो अच्छा, तो जीएसटी काट के ही आएगा, जीएसटी जो भी कितना आ आएगा। रहा है देखिए इसका? जीएसटी काट के अगर टैक्स का अगर नहीं कटेगा तो हाँ फिर तो प्रॉब्लम होगा, टैक्स को कटना चाहिए तभी ना लीगल होगा। हाँ, 4 करोड़ का जीएसटी कितना होगा? 4 करोड़ का जीएसटी कितना होगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। 30% होगा कम से कम, मतलब हाँ 30% तो कम से कम होगा ही। हाँ थोड़ा होना दीजिए ना, 120 जाएगा आज के, तो उसके पास तो ज्यादा ही तो रहेगा। हाँ, फिर 2.80 CR रहेगा उसके पास। और उसमें से मान लीजिए 80 लाख अगर उसको सीए को देना पड़े तो देना पड़ेगा, क्या है फिर भी तो 2 CR रहेगा। आज के दुनिया में दादा कोई 1,000 रुपया नहीं देता है किसी को, बिना 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 अपना अपना धंधा समझ के कोई देता है? 2 करोड़ 80 लाख रुपए मिल गया हाँ, ऐसे ही 80 लाख रुपया बैठे के छोड़ के दो दो सी आर, अगर आप एक और छोड़ दीजिए, अगर 1 CR भी आपको मिले बैठे। बिना कोई काम किए, वो अच्छा अच्छा याद आ गया, ये देखो एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट। ये तो कंपनी टू कंपनी है, क्या दिखाएगा? लीगल काम हो रहा है तो KYC करके, तो इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब आपको वो कंपनी ढूंढना पड़ेगा जिसका दो कंडीशन होगा, एक तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात है मिनिमम 5 CR का कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो अपना हिसाब से, मतलब जो कंपनी जो करता है। मान लीजिए कोई बिल्डर है तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा, मान लीजिए कोई क्या बोलता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है तो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट होगा, मतलब जो जिस चीज एनजीओ में है। एनजीओ हाँ, हो सकता है कोई कंपनी का एनजीओ है तो एनजीओ में जो अनुदान देते हैं, एनजीओ को चलाने के लिए उसको 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया देना पड़ता है सालाना, मतलब ये मतलब कोई वैलिड हाँ, कुछ प्रोजेक्ट होना प्रोजेक्ट। चाहिए, प्रोजेक्ट होना हाँ चाहिए, वर्क प्रोजेक्ट होना होना चाहिए, चाहिए, प्रोजेक्ट एकदम ठीक ठाक प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो मतलब प्रोजेक्ट कॉमर्शियल के प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट फाइनेंशियल प्रोजेक्ट होना चाहिए। हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही मैटर करता है ये ट्रांजेक्शन का, क्योंकि अगर आपके पास लीगल प्रोजेक्ट होगा तभी ना आप लीगली उसको ट्रांजेक्शन दिखा पाओगे। तो मेरे को कंपनी खोजना है ना। आपको कंपनी खोजना है, रिसीवर, हाँ, रिसीवर इसके पास ये खोजता। दो चीज है, एक जो मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ वो हाँ सर्टिफिकेट, हाँ हाँ वो है कि नहीं, और और दूसरा दूसरा है प्रोजेक्ट।
हाँ एक प्रोजेक्ट मिनिमम 5 साल का प्रोजेक्ट हाँ तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बोले ये डॉक्यूमेंट्स पहले देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें रिसीवर को 2.8 का करीब करीब प्रॉफिट होगा। करीब करीब हाँ आसपास में हाँ मैं ये तो हम लोग इसको मतलब काट छाट करके हिसाब किया। हाँ 2.8 करोड़ के कम से कम रिसीवर जो कम से जो हाँ कम से कम हाँ तो कम से कम तो होगा ही। और फिर अगर एक बार सच में कोई काम अगर ठीक से देखिए, ये तो सब बात में होता है, कोई काम अक्रिमेंटली होता नहीं है। हाँ अगर मान लीजिए हो जाए हाँ तो समझिए पूरा साल का एग्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, पूरा साल भर काम चलेगा ये। साल भर काम मतलब जब 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 जब, जब काम आएगा तब तभी होगा। अच्छा मतलब हो जाता है ना कि दोनों का अंदर एक सेटिंग हो जाता है, अच्छा अच्छा फिर इनको भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनको भी ढूंढना पड़ेगा, जब भी आएगा तभी। और इसमें क्या करेंगे हम, अच्छा एक थर्ड पार्टी एग्रीमेंट कर लेंगे दोनों के साथ कि जब भी काम आएगा हमको आपको वो इंटीमेट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अच्छा, ये बोल रहा था कि ये काम होता है कि नहीं, जरूर होता है, जो कर सकता है उसको होता है, जो नहीं कर सकता है उसको नहीं होता है। आपके नॉलेज में काम हो रहा है अभी? तो हाँ, होता है होता है, प्रूफ है, क्योंकि मतलब ये कुछ प्रूफ है कि हो रहा है, हुआ है, हो हुआ रहा है? क्योंकि नहीं, प्रूफ प्रूफ कोई देता है थोड़ा किसको ही। किसको अगर मैं खोजूंगा किसी को, हाँ, तो उसको तो हाँ बता। जैसे अरे आप देखिए ना, ये जो लड़के को आपने पकड़े थे क्या हाँ बोला, हाँ बोला ना कि होता हाँ है। हाँ वो तो आपसे हमसे ज्यादा काम किए हैं, हाँ हाँ तो आपको तो ऑलरेडी प्रूफ तो मिल गया। उन लोग खूब अपने मुंह से बोला कि हाँ होता है, ऐसा ऐसा होता है। मैंने बोला हाँ ऐसा होता है, आईटीआर वगैरह, वो तो बोल रहा है यूटीआर नंबर बाद में देता है, ऐसा ही होता है। होता है काम, लेकिन क्या है कम होता है, ये क्योंकि मतलब काम करने ये वाला वाला काम मछली के तेल में मछली भाजना है ना इसमें? ये मछली के तेल में मछली भाजने वाला है। लेकिन हाँ लेकिन ये हाँ मत सोचिए कि जो 9th ईयर आएगा उसमें से 5 साल रिटर्न करेगा, नहीं, वो 5 साल उसको अलग से जो हम अकाउंट है उसमें देना पड़ेगा। क्योंकि हाँ हाँ जिस 5 करोड़ अकाउंट में नाइन्थ होना ईयर मारेगा चाहिए। ना, वो 24 आवर्स के लिए वो लॉक होता है, हाँ क्योंकि उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। ऑटोमेटिकली आरबीआई से फोन आएगा, तो उसके अकाउंट में 5 करोड़ होना भी चाहिए, प्लस एकदम प्लस प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्लस आपको ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट होना होना चाहिए चाहिए। तभी होगा। बड़ा काम है ना ये, छोटा काम।